राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में चरणबद्ध आंदोलन के दूसरे दिन नगर पालिका कर्मचारी आज एक दिवसीय धरने पर बैठे हैं। यदि आज भी उनकी मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान भी कर्मचारी महासंघ ने किया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से नगर पालिका CMO संतोष पराशर और नगर पालिका कर्मचारियों के बीच कुछ मुद्दों को लेकर तनातनी चल रही है। इन मुद्दों को लेकर नपा कर्मचारी दो बार हड़ताल भी कर चुके हैं, लेकिन इस बार मामला ज्यादा तूल पकड़ता दिख रहा है। कलेक्टर द्वारा राजस्व वसूली पर सख्ती करते हुए CMO को वसूली के लिए एक बड़ा टारगेट दिया गया है। संवाददाता भगवान सिंह की रिपोर्ट। उनके चार पर होने वाले का समस्त दिया जाता था। तीसरी मांग है हमारे कर्मचारी भाइयों का जो वेतन रुका हुआ है उसको तत्काल दिया जाए। चौथी मांग है हमारी सात वेतन मान का रुका हुआ है एरियर तत्काल दिया जाए। आपने पूर्व में भी धरना प्रदर्शन किया था ना? हमने पूर्व में भी किया था और CMO साहब के आश्वासन देने के बाद में हमने ख़त्म कर दिया था कि हम एक दो दिन में निराकरण कर देंगे। निराकरण नहीं करने की दशा में हमें फिर से ये कदम उठाना पड़ा, जिसकी हमने लिखित में श्रीमान CMO साहब को सूचना दे दी गई है, SDM साहब को काफ़ी भेज दी गई है, कलेक्टर महोदय को भेज दी गई है, हमारे संघ के पदाधिकारियों को भेज दी गई है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन